सत श्री अकाल जी, मैं आजाद सिंह, तुसी देख रहे हो विनिंग पंजाब। सब तो पहला गल करांगे विनोद कई दी, ते उस तो बाद गल करांगे उस वड्डे मंत्री दी जिस दे उत्ते ईडी वल्लों शिकंजा कसया गया, ते किस तरीके दी अपडेट हुण निकल के सामने आ रही है। सो सब तो पहला गल करदे आं विनोद कई दी, जिहदियां दे उत्ते हुण जो खुलासे हुंदे होए नज़र आ रहे ने कि नवा एजी उहनां नूं नियुक्त कीता गया है। पंजाब सरकार दे विच जेकर गल करिए तां कल दे इंसीडेंट दी, तां कल पंजाब सरकार दे विच एजी लाए गए अनमोल रतन सिद्धू वल्लों अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता गया सी। निजी कारणां दा उहनां वल्लों हवाला दिता गया सी, जिस तों बाद विनोद कई नूं पंजाब सरकार दे विच एजी लगाया गया, एडवोकेट जनरल दा उहनां नूं अहुदा दिता गया, जिस दे उत्ते हुण सवाल उठने शुरू हो गए ने। सवाल इस करके उठ रहे ने क्योंकि जो डेरा मुखी है, डेरा मुखी दे जो केस चल रहा है, बेअदबी दा केस उहदे उत्ते चल रहा है, उहदे विच वकील ने जो हुण नवें अपॉइंट होए ने एजी बनाए गए ने, पंजाब सरकार दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार दे विच एजी जिन्हां नूं नियुक्त कीता गया विनोद कई उहनां दा नाम है, ते उहनां दे उत्ते इह खुलासा होया कि उह जो डेरा मुखी है बेअदबी मामले दे विच उहनां दी जो पैरवी है उस केस दी उह विनोद कई कर रहे ने। सो इस मामले नूं लै के हुण सियासी गलियारियां दे विच जो है गल्लां घूमणियां शुरू हो गईआं ने, ते वड्डे वड्डे जो इल्जाम ने उह आम आदमी पार्टी दी सरकार दे उत्ते लगदे होए नज़र आए ने, ते वड्डे वड्डे इल्जाम लगने शुरू हो गए ने। सो सब तो पहला जेकर गल करिए विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा वल्लों वड्डा बयान दिता गया कि जेकर एजी उन्हां नूं लगाया गया पंजाब सरकार दे विच, एजी जो विनोद कई नूं लगाया गया जो कि डेरा मुखी दे वकील ने उस बेअदबी मामले दे विच, तां उह फिर बेअदबी मामले दे विच किस तरीके दे नाल जो बरगाड़ी मोर्चा लग्या होया उस दे विच, जां फिर बहबल कलां, जां फिर जिस तरीके दे नाल लगातार 2015 तों इह मामला चलदा आ रहा है, उस दे विच खुद जो पंजाब सरकार दी बनाई हुई SIT है उहदे वल्लों साजिशकर्ता बनाया गया, तां उस मामले दे विच किवें जो एजी बनाए गए ने उह इंसाफ दवा सकदे ने। सो इस मामले दे विच की कुछ कहिंदे होए प्रताप सिंह बाजवा विरोधी धिर दे नेता नज़र आ रहे ने, उह तुहानूं सुणाउंदे आ। सब तों पहलां दोस्तो, अज मैं इक चिट्ठी चीफ मिनिस्टर पंजाब नूं ते स्पीकर पंजाब विधान सभा नूं लिखी है, जिहदे विच मैं डिमांड कीती है कि बेअदबियां जिहड़ियां होईयां ने बरगाड़ी ते बहबल कलां, उहनां दे उत्ते चर्चा करन वास्ते इक दिन दा स्पैशल सैशन कन्वीन कीता जाए, क्योंकि मैं याद करवाना चाहना पंजाब दे लोकां नूं कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान जी दी हाजरी विच इलैक्शनां दे वेले कहा सी कि जिद्दन तुहानूं कोई ईमानदार मुख्यमंत्री मिल गया, असीं 24 घंटियां दे विच इह बेअदबियां करन वालियां नूं जेलां दीआं सलाखां दे पिछे पहुंचा दांगे। पिछले असैम्बली सैशन दौरान मैं वेख्या कुंवर विजय प्रताप सिंह जी जिहड़े पिछली सरकार दे विच सिट दे मैंबर सन, ते जिन्हां 10 साल दी अपनी नौकरी छड्ड के अज आप दे MLA ने, उहनां ने बकायदा तौर स्पीकर साहब नूं कई दफा कोशिश कीती कि उन्हां नूं मौका दिता जाए इन्हां बेअदबियां ते अपनी गल रखण दा, ते पंजाब नूं असलियत दी जानकारी होण दा कि कौन लोक ने जिहड़े इस वड्डे षडयंत्र दे पिछे ने, बट उन्हां नूं वी मौका नहीं दिता गया। मैं विरोधी धिर दे लीडर उन्हां नूं सपोर्ट वी कीती सी। इस चिट्ठी जरिए मैं मंग कर रहा कि तुसीं जल्दी तों जल्दी अपनी पोजीशन क्लीयर करो। लोकां दे विच बहुत ज्यादा इस दे पिछे दुख ते तकलीफ है कि जिहड़ी सरकार ने 24 घंटे कहे सी, अज 4 महीनिआं तों वध गुजर गए, उस तों बाद कल ही बहुत सारिआं दा दिल दुखी होया कि तुसीं अनमोल रतन सिंह सिद्धू नूं बदल के, उह ते चलो तुहाडी अपनी गवर्नमेंट दी चॉइस सी जिहनूं तुसीं मर्जी लै के आओ, विनोद कई साहब नूं लै आओ। ते कई साहब कौन ने पंजाब दे लोकां नूं मैं दस्सणा चाहना, कई साहब उह ने जिन्हां ने सच्चे सौदे दे साध दा केस जिहड़ा है ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਓਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਸਤੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सो प्रताप सिंह बाजवा मंग कर रहे ने विशेष
बेअदबी विरोधी सैशन बुलाने की उहदे उत्ते चर्चा करन दी ते नाल दी नाल उह इल्जाम लगा रहे ने उस मामले दे विच जदों के हुण नवां अपॉइंट किया गया एजी जिसनों बनाया गया विनोद कई नूं एजी बनाया गया पंजाब सरकार दे वल्लों ते उह सवाल चुक रहे ने कि किवें बेअदबी मामले दे विच पंजाब सरकार इंसाफ दे सकदी आ जदके जो विनोद कई ने उह खुद डेरा मुखी दे वकील ने सो इस तरीके दे नाल सवाल चुके जा रहे ने ते नाल दी नाल प्रताप सिंह बाजवा विरोधी धिर दे नेता उह मंग करदे होए नज़र आ रहे ने कि जो विधानसभा दे विच विशेष सैशन बुलाया जाए बेअदबी मामलों दे उत्ते डिबेट की जानी चाहिए आ होनी चाहिए आ सो यह सी पंजाब दा मामला जेकर हुण एक होर अगे मामले की गल करिए ईडी दे शिकंजे की गल करिए तां हुण जो सतेंद्र जैन ने आम आदमी पार्टी दे सेहत मंत्री ने दिल्ली दे विच केजरीवाल सरकार सेहत मंत्री ने उन्हां दे उत्ते हुण ईडी आ उह शिकंजा कसदी हुई नज़र आ रही है किस तरीके दे नाल शिकंजा कसया जा रहा उह तुहानूं दस्सांगे इह वी तुहानूं दस दईए कि लगातार उह उन्हां दे उत्तों बरामदगी हुई सी लगातार उन्हां दे उत्तों बरामदगी हुई सी ते हुण जो ईडी आ उहदे वल्लों 6 दोषियां नूं नामजद किया गया दोष पत्र आयद किए गए ने दोष पत्र अदालत दे विच दायर किए गए ने ते इस दोष पत्रां दे विच सूत्रां दे हवाले तो कवर है कि इन्हां दोष पत्रां दे विच जो 6 नाम दसे ने 6 दोषियों के नाम ने ते 4 कंपनियों के नाम इस दोष पत्र दे विच दर्ज किए गए ने सो ईडी वालों शिकंजा कसया जा रहा सतेंद्र जैन के उत्ते ईडी ने उस खिलाफ आमदन तो वध जायदाद के मामले में रोज अवेन्यू अदालत में चार्जशीट दाखिल की है रोज अवेन्यू कोर्ट चार्जशीट ते नोटिस लैण लई कुछ समय बाद ही सुनवाई करेगी सो सतेंद्र जैन दियां मुश्किलां हुण वधदियां होईयां नज़र आईयां ने 6 दोषियों के 4 कंपनियों के नाम दर्ज किए गए हैं जो चार्जशीट दाखिल की गई है जिन्हां दे विच मुख तौर पर उत्ते पहला नाम आ जो वह सतेंद्र जैन का जो कि सेहत मंत्री ने केजरीवाल सरकार दे विच दूसरा नाम है सतेंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन का ते तीजा नाम है वैभव जैन जो कि प्रवीण जैन का रिश्तेदार है चौथा नाम अंकुश जैन का है इसनों भी गिरफ़्तार किया गया सी पंजवां नाम सुनील कुमार जैन का है जो कि अंकुश जैन का पिता है छेवां नाम अजीत कुमार जैन का है जो कि वैभव जैन का पिता है सत्तवां नाम अंकित जो अंकित डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उहदा नाम है प्रयास इन्फोटैक प्राइवेट लिमिटेड अठवां नाम है तो नौवां नाम है जे जे आदर्श का सो इस तरीके दे नाल इन्हां कंपनियां ते नाल दी नाल जो रिश्तेदार ने सतेंद्र जैन दे ते परिवारक मैंबर ने उन्हां नूं नामजद किया गया इस दोष जो चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी दे वल्लों अदालत दे विच इन्हां नामां दा जिक्र मुख तौर दे उत्ते सामने आ रहा है छापे जेकर छापेमारी की गल करिए रेड दे दौरान जो कुछ बरामद होया सी उह तुहानूं दस दईए कि 2,35,00,000 रुपए की नकदी अते 133 सोने दे सिक्के जब्त किए गए सन छापेमारी के दौरान ईडी दे वल्लों सो 6 जून जांच एजेंसी ईडी वल्लों दिल्ली NCR विच कई थावां ते छापे मारे गए सन इसे छापेमारी दौरान नकदी अते 133 सोने के सिक्कों समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जायदाद के दस्तावेज बैंकिंग लैन देन दे कई दस्तावेज समेत लखां रुपए की नकदी बरामद हुई हालांकि जायदाद कुरक करन दी इह कोई पहली घटना नहीं है पर इस साल अप्रैल महीने विच भी ईडी दी टीम ने जांच तो बाद मंत्री सतेंद्र जैन अते उन्हां दे परिवारक मैंबरां दे कंपनियां दे जायदादां नूं ईडी ने जब्त किया सी आम आदमी दी सीनियर नेता अते मंत्री सतेंद्र जैन कदों तो जांच एजेंसी के रडार ते आए ये तुहानूं दस दें केंद्रीय जांच एजेंसी CBI वालों सतेंद्र जैन खिलाफ साल 2017 FIR दर्ज की गई सी बाद च इस मामले के आधार पर जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्डरिंग एक्ट तहत मामला दर्ज किया सी उस समय CBI वालों दर्ज की FIR विच स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया सी कि 4 कंपनियां राही मनी लॉन्डरिंग की गई सी इसलिए जांच उन्हां ही शैल कंपनियां दे आले दुआले घूमन लगी ईडी दे सूत्रां मुताबक दिल्ली सरकार दे मंत्री सतेंद्र जैन नाल 2015-16 दौरान ही जांच एजेंसी ईडी समेत कई होर जांच एजेंसियां दे रडार ते आ गए सन क्योंकि जांच दौरान पता लग गया सी कि साल 2015-16 दौरान जदों सतेंद्र जैन दिल्ली सरकार विच मंत्री सी यानी कि जदों उह लोक सेवक वजों काम कर रहा सी तां उसकी मालकी
ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ।